माँ बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमानों अभिनंदन प्रभाकर एवं दीप्ति कौशल से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित मां भक्तों को कहा कि इंसान जाति पाति के तमाम बंधनों में जकड़ा हुआ है, अगर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ले तो इन बंधनों से मुक्ति पा जाता है, सही मायने में वही मुक्ति का अधिकारी होता है। वही उन्होंने कहा कि जीवन जीते जी ही मुक्त होना मुक्ति है और ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र मुक्ति माध्यम है। नवजीत भारद्वाज ने कहा कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर 2022 दिन शनिवार शाम को माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी में एक शाम माँ पीताम्बरा के नाम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नव वर्ष का आगाज माँ बंगलामुखी जी के दर्शन से हो, इससे उत्तम बात और क्या हो सकती है। सभी माँ भक्तों से आवाहन किया जाता है कि वे अपनी हाजिरी माँ बंगलामुखी जी के चरणों में सम्मिलित होकर जरूर लगवाएं। वहीं इस अवसर पर संजीव सोंधी, रविंद्र बांसल, प्रिंस कोंडल, राकेश प्रभाकर, मोहित बहल, बाबा खन्ना, समीर कपूर, संजीव शर्मा, अनिल चड्डा, रोहित भाटिया, रोहित मल्होत्रा, गौरव कोहली, लवली रलहन, बाबा जोशी, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, गोपाल मालपानी, विक्रम भसीन, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, राघव चड्डा, मुकेश चौधरी, अश्विनी शर्मा, संजीव सावरिया, संजीव मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, रॉकी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, राकेश, सौरभ मल्होत्रा, हंसराज, दीपू ठाकुर, अभिषेक भनोट, श्याम साहनी ठाकुर, बलदेव सिंह, अभिलक्ष्य चुग, लकी, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। अज माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी जी के दरबार के उत्ते जो कि गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक स्थित है माँ के भव्य मंदिर के अज जिहड़ा इस साल का लास्ट सप्ताहिक हवन यज्ञ होया है। जिंदगी की शुरुआत है, साल आते जाते रहते हैं, दिन आते जाते रहते हैं, पर अपने जिहड़े देवी देवता है उन्हां वल ध्यान पूर्ण रूप च रखीदा हैगा तां जो मेहर भरिया हथ रखन। मैं इस दे नाल नाल दसना चाहना कि 31 दिसंबर जो कि ईस्वी सन 2022 समाप्त होएगा, 2023 चढ़ेगा, उस दे उपलक्ष्य लोग होटलों जाते हैं, कोई किसी जगह जाता, कोई किसी जगह जाता, पर अपने सारे सेवादारा का भाव से कि असी महामाई के दरबार से ही जिहड़ा सब तो पहला दर्शन दीदार है वह अपनी माँ जगदम्बा भगवती बगलामुखी जी का करिए। एक शाम माँ पीताम्बरा के नाम दा आयोजन किया जा रहा, एक सांधे महामाई का भजन संकीर्तन होएगा, उस दिन भगवान श्री कृष्ण ते राधा जी की रासलीला भी डाली जाएगी। स्पैशल उदे लई जिहड़े आर्टिस्ट है वह हुशियारपुर तो आ रहे हैं और अलग अलग तरह दियां बहुत सारिया, संजीव सवरिया है और राज एंड पार्टी है, बहुत सारिया पार्टियां महामाई के दरबार से अपना जिहड़ा कि भजन कीर्तन करनगियां, अपनी हाजिरी लगवानगियां।